कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है चकमक पत्रिका से, मुन्नू की मूछें, और इसे लिखा है वीरेंद्र दुबे ने। मेंढकों के मुखिया मुन्नू की मूछें बड़ी बड़ी थीं। घनी लंबी घुंघराली मूछों पर ताव देकर मुन्नू हंसते रहते। जो उनकी मूछों की बढ़ाई करता उछलकर उसकी पीठ थपथपा देते। कोई मूछ को मुन्नू की पूंछ कहता तो उसको बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर डरा देते। एक बार उन्होंने शहद खाया, शहद उनके हाथों में चिपका रह गया। अचानक किसी को आता देखकर वो मूछों पर ताव देने लगे। घुंघराली मूछों पर शहद वाले हाथ फेरते रहने से मूछें कड़ी होती गईं, अपनी जगह खड़ी हो गईं। अब मौज में आकर वो मूछें मरोड़ने लगे। बढ़ाई करने वाले तो वाहवाही करते थक ही नहीं रहे थे। मरोड़ते मरोड़ते उनकी मूछें ही उखड़ गईं। उस दिन के बाद से आज तक मुन्नू की मूछें नहीं आईं। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।